नमस्कार, मैं मितेश अग्निहोत्री। देश की पहली पूर्णतया स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस ट्रायल के लिए कंपनी ने कानपुर को चुना है। बताया जा रहा है कि इस कोरोना महामारी शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब इतनी छोटी उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इससे पहले दुनिया की किसी भी वैक्सीन कंपनी ने इतने छोटे बच्चों पर कोविड वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया है। मंगलवार के दिन भारत बायोटेक ने इन ट्रायलों की शुरुआत की कानपुर के प्रखर अस्पताल से। इस प्रक्रिया में बच्चों को तीन ग्रुपों में बांटा गया। पहले ग्रुप में 2 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 और तीसरे ग्रुप में 12 से 18 साल तक के बच्चों को रखा गया है। भारत बायोटेक ने ट्रायल की शुरुआत करने से पहले 12 से 18 साल के 40 बच्चों की स्क्रीनिंग की। इनमें से 20 बच्चों को वैक्सीन के परीक्षण के लिए फिट पाया गया। इन बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी गई। पिछले बुधवार को 6 से 12 साल तक की उम्र के 10 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 5 बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए फिट पाया गया। इन्हें भी वैक्सीन की डोज लगा दी गई। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को कोवैक्सीन की डोज देने के बाद तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। कुछ बच्चों को कोवैक्सीन वाला इंजेक्शन लगाए जाने वाली जगह पर लाल लाल निशान पड़ गए। हालांकि डॉक्टरों का यह कहना है कि यह एक सामान्य बात है। इसके बाद 2 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए भी स्क्रीनिंग की यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि दुनिया भर की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अभी तक बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल नहीं शुरू किए। हालांकि कानपुर में बड़े लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक और जायस कैंडिला की वैक्सीन का ट्रायल भी यहां पर कामयाबी के साथ तमाम लोगों पर किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक का नेजल स्प्रे, ऐसी उम्मीद है कि यह भी जल्द आएगा, जिसे नाक से दिया जाएगा।